కేసీఆర్ ముస్లింల పక్షపాతి కాదని వ్యతిరేకని వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గ ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షుడు గుల్షన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సచివాలయంలో ఉన్న మసీదు కూల్చివేతకు నిరసనగా నమాజ్ అనంతరం ముస్లింలందరూ పట్టణంలోని మసీదు నుండి మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వరకు నల్ల కండువాలు ధరించి నిరసన ర్యాలీ చేపట్టారు. जब चल रहा है कि एक मस्जिद को शहीद किया गया, एक दरगाह को शहीद किया गया, और काल के मतलब हर जगह एक जगह वाशुर खाने को शहीद किया गया, आज हैदराबाद के अंदर एक मस्जिद को शहीद किया गया, आज फिर सेक्रेटरियट के अंदर मस्जिद हाशमी और एक मस्जिद को, दो मस्जिदों को शहीद किया गया. इससे ऐसा लगता है कि हुकूमत की अब उल्टी चिंती शुरू हो गई है. हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो जहाँ जहाँ पे मस्जिदें आशुर खान शहीद हुए हैं उनको दोबारा उसी मुकाम पे तामीर कर दें, और वरना मुसलमान आने वाले इलेक्शन में आपको सबक सिखा देंगे. क्योंकि इस वास्ते हम बोल रहे हैं कि आप अच्छे से तरीके से आपको समझा दे रहे हैं कि मुसलमान ताई से दो मरतबा तो हुकूमत बनाएं. अब की बार मुसलमान के सबक जरूर देंगे आपको. आपसे हम गुजारिश करते हैं कि फौरी जल्द से जल्द ऐसे हंदे फैसले कभी हमने नहीं देखे जो केसीआर मुसलमानों के. अरे आप तो रहबर नहीं है, जल्लाद है मेरे हिसाब में. क्योंकि ऐसे फैसले जो सिगरेट के अंदर जो करे हुए आप मस्जिदों को शहीद कर दिए, बदबख्तानिया वाकया है. हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है मगर तुम्हारे हंदे फैसलों के खिलाफ है. जब जब तुम हंदे फैसले करेंगे हम इसी तरह से एहतजाज करेंगे. अगर दो दिन में अगर आप ये फैसला वापस ले लें और मस्जिदों को वहीं पर तामीर करें, वरना हम करोना वायरस तो ये आता जाता इंसान आज हो तो मरना है, कल हो तो मरना है. इंशाल्लाह हमारी मौत कोरोना वायरस पे होंगी तो मर जाएंगे, मगर ये पूरे रोडों पे एहतजाज करेंगे.